तो हाय गाइस, कैसे हो? हाय, सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े भैया छोटे भैया के कौन एपिसोड में वापस। तो गाइस आज चल रहा है डे नंबर 3 एंड फर्स्ट हाफ सैटरडे है भाई। देखेंगे आज के लिए फाइनल एडवांस बुकिंग है, वो हमें क्या देखने को मिल रही है, क्या जो हमें उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा या फिर मामला ठंडा ही है। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में डे नंबर 2 में क्या हुआ है, क्या मामला 7-8 करोड़ के आसपास दिख रहा है, मामला यहाँ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उससे पहले थोड़े ऑक्युपेंसी देख लेते हैं, मॉर्निंग की 9% और आए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आज शोज भाई काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गए। क्यों? देखो कल सम शोज़ कैंसिल भी हुए, उस तरह ऑक्युपेंसी निकल के सामने नहीं आ रही है। एज अ थिएटर भाई वो खाली थोड़ी रखेंगे, अभी मैदान को ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स वो नहीं मिल रहा है। तो जस्ट अभी डिसाइड किया भाई एज अ थिएटर ओनर्स भाई कि अभी देखो क्रू अच्छा बिजनेस कर रही है, तो शोज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्रू के एंड साथ में शैतान के भी। मैदान कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस और नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, मतलब दिस ईद में जो मूवीज़ आई हैं हिंदी में वो ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, और यही एक रीज़न है कि भाई इनके शोज़ हैं वो कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे 2D की ऑक्युपेंसी कल की बात कर रहे थे हम, मॉर्निंग की 9, आफ्टरनून की 15, इवनिंग की 19 और यहाँ पे नाइट की केवल 20% एंड नाइट की 20, वो हमें जंप देखने को नहीं मिला अगेन जो हमें चाहिए था। ओवरऑल पूरे दिन की केवल 16%, जब 4-5 हज़ार शोज में केवल 16% ऑक्युपेंसी रहती है ओवरऑल पूरे दिन की, वो भी गाइस फर्स्ट हाफ वीकेंड का दूसरा दिन, डिसेंट तो है ही है। एंड 3D की ओर मूव करते हैं, 7 आफ्टरनून के 12, इवनिंग के 16, नाइट के 12, अगेन हमें नाइट की ऑक्युपेंसी में ड्रॉप है वो देखने को मिला है। एंड कम से कम सिमिलर की उम्मीद तो कर ही सकते थे जो कि ऐसा भी नहीं हो पाया, एंड ओवरऑल ऑलमोस्ट 12% के आसपास, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड नंबर्स गाइज कहीं ना कहीं 7.25 करोड़ के आसपास मुझे नेट फिगर गाइज वो दिख रहा है, 7.25 करोड़ के आसपास। लेट्स सी गाइज, वो देखते हैं मेकर्स क्या हमें ऑफिशियली फिगर है वो देते हैं, और यही फिगर आती है तो ये जाएगा 23.30 करोड़ के आसपास फर्स्ट हाफ टू डेज, 23.30 करोड़। इससे हमें थोड़ा ज़्यादा तो सिर्फ ओपनिंग नंबर है वो चाहिए था, ऑलमोस्ट 25 करोड़, बट यहाँ पे फर्स्ट टू डेज में इतनी फिगर है वो जाती हुई दिखाई है वो दे रही है। फिलहाल गाइस पब्लिक ने टोटली ऑफ, यहाँ पे बड़े भैया छोटे भैया हो या फिर मैदान हो भाई, बहुत को रिजेक्ट है वो कर दी है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है इन मतलब बड़े भैया छोटे भैया को गाइस देखने के लिए। इवन कई सारे भाई शोज़ आज भी शायद हमें कैंसिल होते हुए दिखाई है वो दे सकते हैं, जिस तरह आज के लिए हमें एडवांस बुकिंग है वो देखने को मिल रही है। आज सैटरडे था और आज यूज बड़ा पिक्चर को जंप है गाइस वो लेना था, बट एडवांस बुकिंग में जंप देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देखते हैं। उससे पहले थोड़ा शोज़ काउंट, मुंबई में ऑलमोस्ट 471 और I-339 शोज़ हैं, कितने ज़्यादा शोज़ हैं भाई ड्रॉप हो चुके हैं 2D वर्जन के। एंड NCR 532, टू डे 480 शोज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। पुणे 178 से 138 हो चुके हैं, बेंगलुरु 142 से 112 हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट हैदराबाद 34 से 35 हो चुके हैं, चलो यहाँ पे एक शोज़ इंक्रीज हुआ है। कोलकाता 135 से 82 शोज़ हो चुके हैं, दिस इज़ अ बिग ड्रॉप शोज़ काउंट। अहमदाबाद 362 से 241, चेन्नई 29 से 30, सूरत 223 से ऑलमोस्ट 194 हो चुके हैं। एंड 3D की ओर मूव करते हैं, 258 मुंबई I-230 है, एंड दिल्ली NCR 403 कल थे और I-405 है, चलो यहाँ पे दो शो इंक्रीज हुए हैं। पुणे 106 यस्टरडे, टू डे 75 ड्रॉप, एंड बेंगलुरु 187 टू डे 140, हैदराबाद 149 टू डे 104, कोलकाता यस्टरडे 101 टू डे 77, अहमदाबाद 119 यस्टरडे टू डे 96, चेन्नई 14 एंड टू डे 49, एंड सूरत 55 टू डे 48 के आसपास है। चेन्नई को ये यहाँ पे शो इंक्रीज हुए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बट एज अ बाकी अदर प्लेसेस में देखें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड एडवांस बुकिंग की ओर मूव करें तो कहीं ना कहीं हिंदी 1.15 करोड़, 2D वर्जन 51,000 टिकट सोल्ड आउट हुए, एंड 3D वर्जन 60 लाख, ऑलमोस्ट 19,000 टिकट्स बिके हैं, जो कि टोटल ऑफ 1.85 करोड़ का एडवांस देखने को मिल रहा है, 1.85 करोड़ विद और ब्लॉक सीट्स, एंड 77 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। एंड फ्राइडे के लिए 1.60 करोड़ के आसपास एडवांस था, एडवांस में हमें वो जंप देखने को नहीं मिला, एटलीस्ट 4 करोड़ प्लस तो भाई एडवांस हमें आज के लिए चाहिए ही चाहिए था, तो थोड़ा अच्छा बिजनेस करना होता, बट ज़्यादा कुछ भाई पब्लिक ने आज भी वो नहीं दिखाया कि बाहर निकलेगी और बड़े भाई छोटे भैया देखेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज बस मामला 10 करोड़ प्लस है वो चला जाए, 10 करोड़ से ज़्यादा नेट बिजनेस वो करके दिखाए। देखो अभी आज अगर ये 20 भी करती है, 25 भी करती है, 30 भी करती है,
तब भी गाइस कुछ नहीं बनेगा वो, क्योंकि स्टार्टिंग से वो शुरुआत नहीं मिली है, नंबर काफ़ी ज़्यादा नीचे वो जा चुका है। और वैसे भी 10-12 करोड़ से मुझे नहीं लगता कि मामला आज ज़्यादा जाएगा, 10 लेके 12 करोड़ के आसपास आप फिलहाल गाइस पकड़ लो। एंड फर्स्ट हाफ 3 डेज जाएगा कहीं ना कहीं, 23 तो हो ही चुका है, तो आप 35 करोड़ के अंडर ही पकड़ लो, 35 करोड़ के आसपास। थोड़ा नीचे क्वेश्चन वो रहने वाला है पहले 3 दिनों में, और पहले 4 दिनों में गाइस ये अपना 50 करोड़ प्लस बिजनेस गाइस वो निकालेगी, वो भी कंफर्म नहीं है अभी, 50 करोड़ से भी नीचे ही दिख रहा है मेरे को। लेट्स सी गाइस, ये है कुछ नज़ारा अब तक का बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, जो कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मेकर्स गाइस बड़ा भाई उनको लॉस है इस बार हुआ है, स्पेशली पूजा इंटरटेनमेंट, एंड उन्होंने बताया था कि 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, मैंने को बताया था 1100 करोड़ का 25% भी अब बड़े भैया छोटे भैया निकालते वर्ल्ड वाइड में, तब भी गाइस ये एक बड़ा यूज अमाउंट है वो माना जाएगा, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास भी। अभी 300 करोड़ भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो लग रहा है। बाकी इसमें आप सभी का क्या कहना है मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस अभी के लिए